हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन पी टी थ्री का सैम्पल पेपर है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए रीडिंग रीडिंग में दो अनसीन पैसेजेस होंगे आपको उनको रीड करना है एंड देन उन पर बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करना है सो so, पहला पैसेज है सु मीन्स नंबर एंड डू को मीन्स सिंगल सू का मतलब है नंबर डोको का मतलब है सिंगल द गेम ऑफ सुडोको हैज मेनी सिमिलैरिटीज विद द गेम ऑफ लाइफ सुडोको आपने देखा होगा डेली न्यूज में भी आता है ये देखिए ये है सुडोको इसमें नाइन रोज होती हैं नाइन कॉलम्स होते हैं और एटी वन सेल्स होते हैं ये है सेल्स कुछ सेल्स में नंबर्स आपको गिवन होते हैं बाकी के सेल्स में नंबर्स आपको फिल करने होते हैं कंडीशन ये है कि सभी रोज में सभी कॉलम्स में और ये जो स्क्वायर्स हैं इस तरीके के ये नाइन स्क्वायर्स आपको मिलेंगे इनमें आपको वन टू नाइन नंबर फिल करने हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए ओके okay? सो so, कहा गया है कि गेम ऑफ सुडोको में और गेम ऑफ लाइफ में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं सुडोको इज द पजल गेम डिजाइन फॉर अ सिंगल प्लेयर मच लाइक क्रॉसवर्ड पजल जैसे डूको का मतलब है सिंगल तो क्रॉसवर्ड पजल के जैसे ही ये सिंगल प्लेयर के लिए डिजाइन किया गया है द पजल इट सेल्फ इज नथिंग मोर दैन ग्रिड ऑफ लिटिल बॉक्स कॉल्ड सेल्स इसमें बस सेल्स होती हैं दे आर स्टैक नाइन हाई एंड नाइन वाइड मेकिंग एटी वन सेल्स एंड टोटल नाइन कॉलम्स होते हैं हाईज़ नाइन रोज होती हैं और एटी वन सेल्स होती हैं द रूट ऑफ द सुडोको पजल आर इन स्विट्जरलैंड ये स्टार्ट हुआ था स्विट्जरलैंड से लियॉन हार्ड यूलर क्रिएटेड कैरे लाटिन इन द एटीन सेंचुरी विच इज सिमिलर टू अडोको पजल इन्होंने स्टार्ट किया था क्रिएट किया था कैरे लाटिन एटीन सेंचुरी में जो सुडोको पज़ल के जैसा ही था द फर्स्ट रियल सुडोको वॉज पब्लिश इन 1979 में पहला रियल सुडोको पब्लिश हुआ एंड वॉज इन्वेंटेड बाई इसको किसने इन्वेंट किया था हार्वर्ड गांस एंड अमेरिकन आर्किटेक्ट द रियल वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी स्टार्टेड इन जापान वर्ल्ड वाइड ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ जापान से इन 1986 एटी सिक्स वेर इट वॉज पब्लिश्ड एंड गिवन द नेम सुडोकू बाय निकोली सुडोकू इसको नाम दिया वहाँ पर जापान में निकोली ने इन लाइफ टू यू स्टार्ट विद अ गिवन सेट ऑफ नोशन एंड देन वर्क फ्रॉम thereon. ऑन तो जैसे सडोको में नंबर्स होते हैं लाइफ में भी कुछ नोशन होते हैं हमारे बिलीवस होते हैं वहाँ से हम काम करना शुरू करते हैं इन सुडोको यू नीड टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स टू अप ग्रिड ग्रिड को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं फिलिंग ईच रो कॉलम एंड बॉक्स विद नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम वन टू नाइन नंबर्स आपको फिल करने होते हैं सो मच लाइक इन लाइफ वेर यू हैव टू गो ऑन योर वे विदाउट हर्टिंग एनी वन एल्स लाइफ में भी हमें ऐसे ही अपने रास्ते जाना है बिना किसी को हर्ट किए रेस्पेक्ट एवरी नंबर और पर्सन सुडोको में हमें हर नंबर को रेस्पेक्ट करना है सभी नंबर्स इंपॉर्टेंट है ऐसे लाइफ में सभी लोगों को रेस्पेक्ट करना है एंड थिंग्स वुड बी फाइन और चीजें अपने आप ही सही हो जाएगी वाइल प्लेइंग यू नेवर थिंक ऑफ द एंड द रिजल्ट यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन द नंबर्स जब हम सुडोको खेलते हैं कभी भी हम एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते बस नंबर्स को फिल करते रहते हैं एंड द फाइनल रिजल्ट फ्रूट ऑफ एक्शन कम्स ऑन इट्स ऑन और जो एंड रिजल्ट है वो अपने आप ही आपको मिल जाता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिफिकल्टजल्ट में टेक आर्स बहुत डिफिकल्ट अगर है तो उसमें आर्ट्स भी लग जाते हैं घंटों लग जाते हैं सिमिलरली टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट इन लाइफ में ऑल्सो टेक ईयर्स सो सिमिलरली लाइफ में भी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं उनको पाने के लिए कई बार हमें सालों लग जाते हैं द गेम ऑफ सड़ोको एंड द गेम ऑफ लाइफ आर बेस्ट प्लेड इन काम बट इन अ फोकस्ड स्टेट सड़ोको का गेम हो या लाइफ का गेम हो आप अच्छे से तब खेल पाएंगे जब आप काम होंगे शांत होंगे और फोकस्ड होंगे एवरी थिंग हैज़ टू गो टुगेदर इन अडोको ग्रेट द रोज कॉलम्स एंड स्क्वायर्स जब हम नंबर्स को फिल करते हैं रोज को कॉलम्स को स्क्वायर्स को सबक आपको एक साथ देखना है एक्जैक्टली एज इन लाइफ योर ड्यूटीज टुअर्ड्स योर फैमिली लाइफ में भी ऐसा ही है हमारी जो ड्यूटीज़ है फैमिली के प्रति टीचर्स के सोसाइटी कंट्री के ऑल ऑल गो ऑन साइमल्टेनियसली वो सब साथ, साथ चलती रहती है सुडोको द अरेंजमेंट ऑफ गिवन नंबर्स इज सिमेट्रिकल दिस इज इंस्ट्रक्टिव इन लाइफ कुछ इंस्ट्रक्शन आप ले सकते हैं लाइफ में सुडोको से हाउ टू मेंटेन स्टेड फास्ट फेथ की कैसे आपको फेथ रखना है विश्वास रखना है पॉइस बैलेंस रखना है एंड इक्वेनमिटी एक काम रहना है कंपोज रहना है डिस्पाइट सिचुएशन वेन एवरीथिंग टर्नस टॉप सिटो भी उन सिचुएशन में भी जहाँ पर सब कुछ अपसाइड uh, डाउन हो टॉप सिटो भी हो देर इज अ सर्टल डिफरेंस बिटवीन द टू एज वेल दोनों में डिफरेंस भी है मेक अ मिस्टेक एंड यू कैन इरेज इट एंड बिगिन ऑल ऑल ओवर अगेन इन सुडोको सोडोको में कोई गलती आपसे हो गई आप इरेज करके फिर से शुरू कर सकते हैं लाइफ में ऐसा नहीं है नोट सो इन लाइफ यू कैन लर्न अ लेसन थ्रू इट लेकिन आप अपने मिस्टेक से वहाँ पर लेसन सीख सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं सेम मिस्टेक्स करना इन फ्यूचर वॉट मोस्ट पीपल डोंट नो इज़ दैट सुडोको इज नॉट अ मैथमेटिकल गेम सुडोको कोई मैथमेटिकल गेम नहीं है इट रिक्वायर एब्सोल्यूटली नो अर्थमेटिक स्किल्स कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है किसी अर्थमेटिक स्किल्स की आपको जरूरत नहीं है बट इट डज रिक्वायर लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग आपको इसमें चाहिए एज यू लर्न टू अरेंज द नंबर्स करेक्टली योर लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव क्योंकि नंबर्स को आप करेक्टली uh, अरेन्ज करना सीखते हैं तो आपके लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं नाउ क्वेश्चन कोई सिक्स क्वेश्चन सॉरी फाइव क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ सिक्स फर्स्ट इज वेन वॉज द फर्स्ट रियल सुडोको पब्लिश्ड सबसे पहला रियल सुडोको कब पब्लिश हुआ था सो फर्स्ट रियल सुडोको वॉज पब्लिश इन 1979. duties साथ साथ चलती रहती हैं टूवर्ड्स फैमिली टीचर्स सोसाइटी एंड कंट्री नेक्स्ट इज विच स्किल इज डेवलप्ड प्लेइंग सुडोकू सुडोकू खेलने से लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है इम्प्रूव होती है द गेम ऑफ सुडोको कैन बेस्ट बी प्लेड इन विच स्टेट सुडोको का गेम आप अच्छे से खेल सकते हैं इन काम एंड फोकस्ड स्टेट नेक्स्ट इज द नंबर इन द बॉक्सिस रेंज फ्रॉम नंबर कहाँ से कहां तक होते हैं वन टू नाइन नेक्स्ट एक और पैसेजर रीड कर लेते हैं द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ स्पाइडर इज देर एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिल्कन थ्रेड जो वो एक रेशमी थ्रेड प्रोड्यूस करती है स्पाइडर्स नॉर्मली हैव सिक्स Finger like silk glands called spinnerets located beneath their abdomen. To spin a web, the spider squeezes the silk out of its body through two small holes. The liquid silk is thicker than water and dries into a fine thread as soon as it comes in contact with air. Spider silk is much stronger than steel and resists breakage because of its elasticity. Because it is very it can stretch up to 140% of its original length. The diameter of these sil silken threads is about 10,000 of an inch. Spiders used this silk to make webs to trap their prey. The egg sacs of some spiders are also made of silk which pretreats the unborn progeny. Sometimes the spider can also use its silk as a safety feature. A certain species of spider, Philodipus apachenyx, trails a safety line of fine silk as it jumps. It uses the silk line to recover if it misses the, its target. The silk of Naphil's spider is the strongest natural fiber known. The spinning of webs is a remarkable example of instinctive behavior. A spider does not have to learn how to make a web. Although spinning itself can be adopted to unique circumstances, for example, orb webs are circular in shape and take an hour to build funnel spiders spin a net-like entrance to their homes which help to trap food similarly trap door spiders dig their homes and spin a trap door out of their silk from trapping insects and as integral components of our biosphere spiders have an intrinsic existence value they are efficient predators and play an important role in controlling the pests of cotton they, also, they are also a food source for the health of natural ecosystem फिर नीचे कुछ पिक्चर्स इज ब्लैक एंड येलो गार्डन स्पाइडर टिपिकली फाउंड इन फील्ड्स में आपको मिलेगी गार्डन्स में मिलेगी दिन के टाइम पर ये है फिशर स्पाइडर ये इनको वेब बनाने की जरूरत नहीं है अपने प्रे को कैच करने के लिए ये अपने इंसेक्ट को ट्रैक डाउन करती है उन पर फिर बाउंस करती है जम्प करती है ये है कॉमन हाउस स्पाइडर ये आपको घरों में शेड्स में गैराज में मिल जाएगी ये अपने वेब्स को वीव करती है सीलिंग के ऊपर या फिर विंडो कॉर्नर में ये है वुड हाउस सॉरी वुड लाउस हंटिंग स्पाइडर ये लीव्स में वुड्स में रॉक्स पिल बग्स में आपको मिल जाएंगी ये है ग्रास स्पाइडर्स वेब्स आर वीव्ड इन ग्रास विजिबल इन मॉर्निंग ड्यू सुबह मॉर्निंग ड्यू के टाइम पर इनके वेब्स आपको दिखाई देंगे घास के ऊपर ओके क्वेश्चंस देखते हैं टेड इन अ स्पाइडर स्पिनर कहां पर लोकेटेड होते हैं स्पाइडर्स में लोकेटेड बीनीर एबडोम नेक्स्ट इज वॉट इंपॉर्टेंट रोल डू स्पाइडर्स प्ले एज अप्रडेटर क्या इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है कि ये कॉटन पेस्ट से बचाती है कॉटन को इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द टन नेक्स्ट इज वाई आर स्पाइडर इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स एंड वॉस्ट्स वो उनको खाते हैं उनके फूड का सोर्स है सोर्स ऑफ फूड फॉर बर्ड्स एंड वॉस्ट्स नेक्स्ट इज विच स्पाइडर डज नॉट वीव अ वेब टू कैच इट्स प्रे कौन से स्पाइडर है जो अपने स्प्रे को कैच करने के लिए शिकार को पकड़ने के लिए ये रहा वेब नहीं बनाती है फिशर स्पाइडर नेक्स्ट इज विच वेयर कैन द वुड लाउस हंटिंग स्पाइडर बी स्पॉटेड कहाँ पर आपको यह मिलेगी लीव्स में वुड्स में एंड रॉक पिलास में लास्टली विच स्पाइडर्स वेब इज विजिबल इन द मॉर्निंग ड्यू ये है अ ग्रास स्पाइडर ओके चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर क्वेश्चन इज अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में से एक आपको करना है फर्स्ट है शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको लिखना है फेमस इंडियन साइंटिस्ट सर सी वी रमन के ऊपर इन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इनपुट कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है ये पैदा हुए थे सेवन्थ ऑफ नवंबर एटीन एटी एट में मद्रास में फिजिशियंस फिजिशियन थे बाय प्रोफेशन इन्होंने वर्क किया इन फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग और इनकी डिस्कवरी को रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं इन्होंने नोबेल प्राइज इनको मिला 1930 में अपनी डिस्कवरी के लिए इनको इलेक्ट किया गया फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में इन 1924 इन 1954 इंडिया ने इनको ऑनर किया विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज़ भारत रत्न और इन्होंने आखिरी सांस ली ऑन ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर को ओके okay? सो so, इस तरीके से आप लिखेंगे कुछ पॉइंट्स आपको पता भी होंगे फेमस पर्सनालिटी है सर chandrasekhar Raman was a renowned physicist born on 7th november in the year 1888 in trichipoli of madras his work for light scattering is famous he contributed various useful work in the world of physics he come from a physics background with his degree in physics honors from university of madras during graduation he was capable enough to publish his research paper on the diffraction of light in 1906 he is well known for for his raman effect other works included his finding of light scattering like why seawater looks blue and in the field of music researching about the harmonic effect he was awarded the highest token of respect in india with the bharat ratna in 1954 and nobel prize in 1930 he was also elected as a fellow on, of the royal society in 1924 the country lost its great personality on 21st of november सेकेंड है राइट अ स्टोरी इन अबाउट 100 टू 120 ट्वेंटी वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगनिंग बिगनिंग आपको गिवन है बाकी स्टोरी आपको खुद से डेवलप करनी है माई मदर आस्ट मी टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग इवनिंग में मेरी मदर ने मुझसे कहा मार्केट जाने के लिए इनिशियली आई वॉन्टेड टू अवॉइड शुरू में मैंने अवॉइड करना सोचा बट देन थिंकिंग शी नीडेड मिल्क फॉर माई लिटिल ब्रदर फिर मैंने सोचा मेरे छोटे भाई के लिए उनको मिल्क की जरूरत है आई लेफ्ट होम रिलकटेंटली ना चाहते हुए भी मैं घर से चला गया आई रीच द मार्केट एंड वॉट्स अबाउट टू पे मनी फॉर मिल्क मैं मार्केट गया और बिल्कुल पैसे देने ही वाला था वेन सडनली आई सो जो मैंने एकदम से क्या देखा अभी स्टोरी को आप कैसे भी डेवलप कर सकते हैं पहले पूरा सोच लेंगे उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं स्टोरी लिखने के एक हम अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल सो माई मदर आस्ट मी टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग इनिशियली फर्स्ट

इन द न्यूज़ दैट पीपल ऑफ माई एरिया आर गेटिंग सिक ड्यू टू अनोन कॉज लोग बीमार हो रहे हैं मेरे एरिया में किसी अनजाने कारण की वजह से एंड आर सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग और उनको फूड पॉइजनिंग हो रही है देयर नंबर्स कीप्स इंक्रीजिंग डे बाई डे और लोगों के बीमार लोगों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है देन आई थॉट इज दिस द रीज़न फॉर द फूड पॉइजनिंग फिर मैंने सोचा कि कहीं यही तो रीज़न नहीं है फूड पॉइजनिंग का आई मेड इट लुक लाइक आई हैवेंट सीन एनी थिंग मैंने उसको ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ नहीं देखा अनाज द शॉपकीपर टू गिव मी सम मोर मिल्क और उससे कहा कि मुझे थोड़ा सा और दूध दे दो देन वाइट ही वॉज बिजी आई साइलेंटली टुक आउट माई मोबाइल एंड रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑफ द बैकग्राउंड जब वो मुझे मिल्क दे रहा था तो मैंने बैकग्राउंड की वीडियो रिकॉर्ड कर ली देन आई वेंट स्ट्रेट टू द पुलिस पुलिस स्टेशन गया मैं फिर विद द वीडियो एंड द मिल्क मिल्क और वीडियो को लेकर अनाज देम टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर और उनसे कहा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए द पुलिस ऑफिसर टुक मी टू द केमिकल लैब वो मुझे केमिकल लैब लेकर गए और उन्होंने ऑर्डर किया लैब टेस्ट करने को जो मिल्क मैंने खरीदा था उसको टू आर सरप्राइज वी फाउंड हैवी क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन द मिल्क उसमें बहुत हैवी क्वांटिटी में टॉक्सिक केमिकल्स मिले द पुलिस ऑफिसर देन आस्ट मी टू कम टू द मिल्क शॉप विद हिम टू अरेस्ट दैम फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ चलूँ शॉप पर ताकि अरेस्ट कर सके उनको बट आई रिफ्यूज लेकिन मैंने मना कर दिया रिक्वेस्टेड हिम टू कीप माई आइडेंटिटी अनोनोमस और कहा कि मेरी आइडेंटिटी को आप अनोनमस रखना किसी को पता ना लगे द पुलिस अरेस्टेड द होल गैंग पूरे गैंग को पुलिस ने अरेस्ट किया द पीपल ऑफ आर एरिया वर रिलीवड नेक्स्ट डे आई रीड दिस स्टोरी न्यूज पेपर बट माई नेम वॉज नॉट देअर नो वेयर टू बी फाउंड मेरा नाम मुझे कहीं नहीं मिला द पुलिस ऑफिसर कैप्टिज प्रॉमस नाउ नेक्स्ट ग्रामर का पार्ट है पैराग्राफ आपको दिया है उसमें कुछ एडिटिंग होगी कुछ एरर्स हैं आपको एरर्स बताने और क्या फिर करेक्ट आंसर है वो उसके सामने लिखना है है करेक्शन नो ये है एरर no, और ये इधर लिखेंगे आप जो करेक्शन है सो द डेविस कप इज अ ब्यूटिफुल ट्रॉफी तो यहां पर इसकी जगह वॉज होगा एक इन्होंने पहले से ही दिया है इट वॉज गिफ्टेड टू अ यूनाइटेड स्टेट्स लॉन टेनिस एसोसिएशन बाय द वेल नोन अमेरिकन टेनिस प्लेयर डी एफ डेविस ऑन एटीन नाइनटी अब इसमें क्या क्या करेक्शन हैं तीन ही करनी है वैसे आपको गिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन टेनिस एसोसिएशन बाय अ वेल नोन American tennis player DF Davis in 1890 okay the Davis Cup is a world championship is the is a world championship who goes on practically throughout the year which goes on practically throughout the year okay next I read the conversation between mother and father and complete the passage that follows so mother says,

ओके okay, या ब्लैंक में फिल करेंगे अच्छा ये पहले से ही दिया है हर हस्बैंड एडवाइजर उनके हस्बैंड ने एडवाइज किया टू हाइड इट इन हिज बुक्स बिकॉज ही वुड नेवर फाइंड इट देयर ओके नाउ नेक्स्ट लिटरेचर आपके बुक के क्वेश्चन आंसर हैं आंसर एनी फाइव क्वेश्चन इन थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स ईच छ में से पांच को आंसर करना है ये मेन रीडर से है तो अच्छा पहले चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से है इस क्वेश्चन पेपर में हो सकता है सिलेबस आपका डिफरेंट हो सो so, ये पी टी थ्री के सिलेबस वाले चैप्टर्स हैं जो कॉमन चैप्टर्स हैं सभी केवीज के कुछ के वी में एक दो चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं मेन रीडर से माई चाइल्ड हुड नो मेन आर फॉरन रीच फॉर द टॉप ऑन केलिंग ट्री काठमांडू असलमर डिड माई स्पिरिट सील्ड इफ आई वर यू और जो सप्लीमेंट्री रीडर है द हैप्पी प्रिंस द लास्ट लीव अ हाउस इज नॉट अ होम एंड द बेगर फर्स्ट इज हो वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स एंड वॉट डिड दे लेटर बिकम अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे और बाद में वो क्या बने मैं प्रॉपर आंसर्स आपको दिखा देती हूँ साइड बाय साइड क्योंकि जब हम आंसर्स यहां पर लिखते हैं कई बार राइटिंग में प्रॉब्लम होती है आपको समझ में नहीं आता और एक प्रॉपर आंसर्स आपको नहीं मिलते हैं सो पहले का आंसर आप लिखेंगे रामानंद शास्त्री अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स रामानंद शास्त्री बिकम अ प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल वो एक पुजारी बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल में अरविंदन वेन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स जो लोग तीर्थ के लिए आते थे उनके लिए वो अरेंज करते थे ट्रांसपोर्ट को और शिव प्रकाशन वो बन गए थे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवेज ओके नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट प्रूव दैट देयर आर नो फॉरन कंट्रीज पोएट ने कैसे प्रूव किया कि कोई भी फॉरन कंट्री नहीं है सो द पोइट प्रूव्स इट विद द हेल्प ऑफ नेचर नेचर की हेल्प से उसने ऐसा प्रूव किया एवरी वन शेयर द सेम सन अर्थ एंड एयर सभी सेम सन को अर्थ को एयर को शेयर करते हैं दे हैव द सेम बॉडी स्ट्रक्चर सबका सेम है उनकी बॉडी की फंक्शनिंग सेम है फंक्शनिंग एलिमेंट्स सो देयर शुड बी नो बायस्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स एनी वन नेक्स्ट इज वॉट इज मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बाग ब्लीडिंग बाग का क्या मतलब है एंड वॉट मेक्स इट ब्लीड उसने किसने उस पेड़ को ब्लीड मतलब उसको काटा है एक तरीके से सो ब्लीडिंग द मीन दिच आर कट मर्सीलेसली वो सभी ट्विक्स टहनिया जिनको बिना मर्सी के बिना दया के काट दिया है दे दे द लीव लीव अ लिक्विड सब्सटांस इफ एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कट इट स्टार्ट ब्लीडिंग तो जैसे ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट कट होता है वहां से ब्लड निकलता है ऐसे उनसे भी एक लिक्विड सब्सटेंस निकल रहा है इसलिए तो उनको ब्लीडिंग बाग कहा गया है इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस कम आउट ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री इसको आप हटा सकते हैं नो no. नहीं ये पूरा आएगा एंड किसने उनको ब्लीड कराया द ह्यूमन एक्स मेक्स इट ब्लीड जो उनकी कुल्हाड़ी है उसने उसकी वजह से वो ब्लीड कर रहे हैं नेक्स्ट इज इज़ द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग पशुपतिनाथ में लोगों की क्या मान्यता है कलयुग के खत्म होने के बारे में सो पीपल बिलीव दैट वेन अ स्मॉल श्राइन इमर्जेस फुल्ली ऑन भागवती रिवर जब एक वो छोटा सा श्राइन मंदिर है पूरा वो भागवती रिवर के बाहर आ जाएगा द गॉडेस एंड साइड विल एस्केप तो उनके अंदर जो गॉडेस है देवी है वो वहाँ से उससे चली जाएगी उस श्राइन से एंड द इवल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ और अर्थ के ऊपर जो कलयुग का ईवल पीरियड है वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट इज हाउ डज़ द पोएट रियक्ट टू हिज बिलव्ड डेथ पोएट ने कैसे रिएक्ट किया उसके बिलव्ड की डेथ के बाद सो द डेथ ऑफ द पोएट्स बिलव्ड इज सो सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इतना एकदम से वो हुआ उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट इज़ माइंड एज वेल एज हिज बॉडी सीन्स टू बी क्लोज ऑफ उसको ऐसा लगता है उसकी बॉडी और माइंड बिल्कुल क्लोज हो गए हैं बंद हो गए वो कुछ सोच नहीं पा रहा था अ डीप स्लमर हैज़ टेकन होल्ड ओवर हिम एक स्लीप जैसी सिचुएशन में वो चला गया था हि स्पिरिट सीन्स टू बी सीड ही हैज़ लॉस टच ऑफ अर्ली कॉन्शियसनेस हर डेथ हैज़ कट हिम ऑफ फ्रॉम उसने पूरा कट कर दिया था

समटाइम्स गोज़ अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम एकदम से कहीं चला जाता था फोन पर ऑर्डर देता था एंड एकदम से जाके एकदम से उसी तरीके से वापस भी आ जाता था नेक्स्ट अभी नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है आपको आउट ऑफ फोर ये सप्लीमेंट्री से होंगे पहला क्वेश्चन है वॉट वर द ड्रॉप्स ऑफ द रेन एक्चुअली एंड वाई डेड द फॉल जो रेन ड्रॉप्स थी वो एक्चुअली में क्या थी और वो क्यों गिर रही थी सो द ऑफ रेन वर एक्चुअली द हैप्पी प्रिंसेस टीयर्स वो हैप्पी प्रिंसेस के प्रिंस के आंसू थे द हैप्पी प्रिंस वॉज सैड वो दुखी था एंड मूव्ड बाय द वाइड स्प्रेड पोवर्टी एंड मिजरी और एकदम से ऐसे हिल गया था जब उसने देखा कि लोग इतने गरीब हैं इतनी मिजरी में जी रहे हैं ही हैलवेज सीन हैप्पीनेस अराउंड हिम प्रिंस था तो उसने अपने चारों तरफ हमेशा खुशियाँ ही देखी थी ही को नॉट अंडरस्टैंड दैट पीपल वर सिक एंड क्राइंग बिकॉज ऑफ द मिजरी अराउंड हिम उसको नहीं पता था कि लोग रोते भी होंगे बीमार सिक रहते होंगे उनके चारों तरफ जो मिजरी है डिफिकल्ट उनकी वजह से बहरम्स का मास्टर पीस है सो बेहरमन वॉज ईयर ओल्ड आर्टिस्ट हैड अ मास्टर पीस उसका एक ड्रीम था कि वो एक मास्टर पीस पेंट करे इस पेंटिंग ऑफ एन आई बिलीव वॉज हिज मास्टर पीस विच सेव द लाइफ ऑफ़ जॉन्सी क्योंकि जॉन्सी में एक इच्छा उसने जगा दी थी जीने की इट वॉज सच अ पेंटिंग दैट इट वॉज नॉट ईजी टू मेक आउट वेदर द लीफ वॉज रियल और वॉ इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग वो इस तरीके की पेंटिंग थी कि कहना मुश्किल था कि वो पेंटिंग है या एक्चुअली में एक लीफ है मैन बेहरमन डाइड पेंटिंग दिस लाइफ सेविंग पेंटिंग उसकी डेथ हो गई इस लाइफ सेविंग पेंटिंग को बना बनाते टाइम तो तब सुने इसको एक मास्टर कहा नेक्स्ट इज वाई द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर फायर के बाद जो ऑथर था उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए वो रोने क्यों लगा सो द ऑथर्स हाउस वॉज कम्पलीटली बर्न डाउन पूरे तरीके से उसका घर जल गया था फाइव आवर्स लेटर वेन द फायर वॉज फाइनली पुट आउट पांच घंटे के बाद जब आग को बुझाया गया ही रियलाइज एट वंस दैट द कैट वॉज नो वेयर उसको उसकी कैट कहीं पर नहीं मिली ही हैड टू फेस द लॉस ऑफ ओल्ड स्कूल हिज हाउस एंड कैट पुराना स्कूल उसका छूट गया घर चला गया

तो उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सरगई ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इट वॉज बिकॉज ऑफ सरगई दैट लश्कॉफ कुड अर्न थर्टी फाइव रूबल्स अ उसकी वजह से वो थर्टी फाइव रूबल्स अर्न कर पा रहा था ही ऑफर्ड हिम द जॉब टू चॉप वुड एट हिज होम सरगई ने पहले ऑफर किया उसके घर आकर लकड़ियाँ काटने के लिए बाद में लेटर ऑन ही सेंट हिम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड उसने उसको अपने एक दोस्त के घर भेज दिया टू डू द जॉब ऑफ कॉपिंग कॉपिंग की जॉब के लिए लश्कॉफ वॉज हाईली ओब्लाइज टू सर बिकॉज नाउ ही वॉज ए नोट्री बिकॉज ऑफ एम वो सी की वजह से अभी एक नोटरी बना था ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट सी ए था नाइन्थ क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग